भोपाल के एड्स कंट्रोल बोर्ड के संविदा कर्मचारी कुंवर सिंह का बेटा पृथ्वी सिंह स्किल सेल एनीमिया से पीड़ित है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे पिता के पास अपने 6 साल के बेटे के इलाज के लिए पैसे नहीं है। बेटे का इलाज दिल्ली के अपोलो अस्पताल में होना है और बच्चे के इलाज पर करीब 28 लाख रुपए खर्च होंगे। कुंवर सिंह ने आर्थिक मदद के लिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। कुंवर सिंह ने पत्र के जरिए सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। पृथ्वी तीनों बहनों के बीच अकेले हैं। पिता का कहना है कि 4 साल पहले बेटे की बीमारी का पता लगा था, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण इलाज नहीं हो पा रहा है। बेटे को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर इलाज सही समय पर नहीं हुआ तो बेटे के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि पृथ्वी सिंह का बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना है। हॉस्पिटल स्टाफ ने कुंवर सिंह की कुछ मदद की है, लेकिन इस मदद से काम नहीं बनेगा। सरकार बेटे के इलाज के लिए सुविधा मुहैया कराए। बच्चा मेरा 2018 में पता चला इसको कि इस तरह, मतलब इसको एकदम बुखार आया। बुखार आने के बाद में इसकी जांच पड़ताल हुई। जांच होने के बाद में ये कि इसकी ये जांच करवा लो, तो ये जांच करवाने के बाद ही पता चला कि इसको इस तरह की बीमारी है, सिकल सेल एनीमिया। तो इसका आगे मतलब भविष्य मतलब है ही नहीं, कि नहीं मतलब एकमात्र ही ट्रीटमेंट है इसको बोन मैरो, नहीं तो फिर 19-18 ईयर्स में इसको और ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। हाइट भी नहीं बढ़ पाएगी, ना पढ़ाई कर पाएगा, ना फैमिली प्लानिंग कर पाएगा, मतलब आगे इसका जीवन नहीं है, ऐसा डॉक्टर बताते हैं। सरकार से ये है कि जो भी CM राहत हो या PM में राहत हो, जितना हो बन सके मेरे बेटे का इलाज के लिए जो राशि है वो देने का अनुरोध करता हूँ।